हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज कोकोनट शेक बनाया, एकदम चिल। तो चले देखते हैं, लेट्स गो। मैंने कोकोनट ले लिया, छोटे छोटे टुकड़े पे काट के हम अभी इसको ग्राइंडिंग करेंगे। उससे पहले मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डालो, यानी कि और 1-2 टेबल स्पून ज़्यादा ऐड करो। और मैंने इलायची 2 ले लिया है और मैं मिल्क डाल रही हूँ। मैंने मिल्क को बॉयल करके रूम टेम्परेचर पर ले आया था और मेरे को लगभग 3/4 कप मिल्क लग गया है बारीक सा पेस्ट बनाने में। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी ली हूँ, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखी हूँ, उसके ऊपर ही कोकोनट का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसे निचोड़ निचोड़ के कोकोनट मिल्क निकालना है। तो मैं जैसे करी हम वैसे कीजिए, एकदम टाइट से पकड़ के फिर इसको निचोड़ निचोड़ के हम सारा कोकोनट मिल्क निकाल लेंगे। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। वैसे ये वाला तरीका बहुत सही है, एकदम आसानी से निकल जाती है कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ग्राइंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो बाकी बच्चा कच्चा कोकोनट मिल्क वो भी बाहर आ जाए। तो इससे मैं फिर से मिल्क ऐड कर रही हूँ, बच्चा कुचा 1/3 कप। इससे हम ग्राइंडिंग करेंगे अभी, लेट्स गो। तो मेरे को और मिल्क चाहिए था, तो मैंने 1/2 कप ले लिया, उसका आधा डाला और आधा बचा है। इसको हम फिर से निचोड़ निचोड़ के कोकोनट मिल्क निकालेंगे। तो वैसे ही छन्नी रखो, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखो, फिर उसके ऊपर वो पेस्ट डालो, फिर उसको टाइट से पकड़ के फिर निचोड़ के फिर रगड़ के फिर हम लोग समझ गए ना, वैसे ही करके कोकोनट मिल्क निकलना है। अगर कोकोनट मिल्क नहीं निकालेंगे तो कोकोनट से कैसे बनाएंगे, इसीलिए ये ज़रूरी है, राइट। तो मैंने सारा निकाल दिया है। तो देखिए, ये रेसिपी एकदम ईजी, एकदम सिंपल। ग्राइंडिंग करो, निचड़ो, फिर जो आए उसको भी ग्राइंडिंग करो, फिर बन गया तुम्हारा सेक, एकदम ठंडी ठंडी चिल चिल वाली। मैंने सारा कोकोनट मिल्क ले लिया है, उसे मैं वो बचा कुचा मिल्क भी डाल दे रही हूँ, फिर इसे मैं आइस क्यूब, नहीं तो हमारी ठंडी ठंडी चिल चिल कैसे बनेगी। तो मैंने आइस क्यूब ले रही हूँ, मैंने तो 5 ली है 4-5। आप जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन ज़्यादा मत लो, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मेरी बन गई कोकोनट शेक, फिर मैं सर्व कर रही हूँ ग्लास पे, एकदम ठंडी ठंडी। आप चाहो जैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो हम निचोड़ निचोड़ के निकाले थे ना वो कोकोनट, वो तो डेसिकेटेड कोकोनट बन गया। तो ये मैं डाल दी, और किशमिश था ड्राई फ्रूट डाल दी। Doobie ba ba ra, doobie doobie ba ba.